ये माया का दरबार है, यहाँ लोग संभल कर आते हैं, सोच समझ कर आते हैं। चुनावी बेला में तो इस दरबार का रुतबा और भी बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही दृश्य गुरुवार को देखने को मिला जब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। बैठक अहम थी, शायद इतनी अहम कि इसमें शरीक होने वाले शख्स जूते उतार कर नंगे पैर आए। जी हाँ, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी अपने भाई सिकबतुल्ला और भतीजे के साथ माया के दरबार में नंगे पाँव पहुँचा, लेकिन जब जुबान खोली तो पुरानी आदत से बाज नहीं आए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को धमकी देते सुने गए। जिन लोगों के दिलों में नफरत इतनी है, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, वादा खिलाफी करने वालों को कहीं न कहीं से जनता की अदालत में नंगा करूंगा। लेकिन इस मौके पर सिर्फ अंसारी बंधु ही बिना जूतों के नहीं थे। मायावती के सलाहकार सतीश चंद्र मिश्र भी बिना जूतों के नजर आए। तो क्या ये माया का खौफ है या फिर उनके घर का नियम? ये पहला मौका नहीं है जब मायावती से मिलने वाले बिना जूतों के दिखे। कुछ समय पहले जब कुछ मौलवी मायावती से मिलने पहुंचे थे तो उनके पैरों में भी जूते नहीं थे। इस इमारत के बाहर अंसारी बंधुओं का खौफ है, लोग इनके नाम से थर्राते हैं। लेकिन माया के दरबार में बाहुबली और उनके परिवार का नंगे पांव पहुंचना मायावती की ताकत का एहसास करवाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।